आज हम बनाएंगे क्रिस्पी मजेदार चटपटी बांगड़ा फ्राई की रेसिपी। इसे बनाने के लिए मैंने ली है यहाँ पर 8 मीडियम साइज की मछलियाँ। इस पर हम इस तरह से कट्स लगा लेंगे ताकि मछली पर जब हम मसाला लगाए तो वो अच्छी तरह से सारी जगह पर समा जाए। सारी मछली पर हम कट्स लगा लेते हैं इस तरह से, और इसका अब हम करेंगे पहला मैरिनेशन। इसके लिए इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक, 1/4 चम्मच डाल लेते हैं हल्दी का पाउडर, और आधे नींबू का रस इस पर निचोड़ लेंगे। अब ये मैरिनेशन को अच्छी तरह से मछली पर लगा लेंगे। इस मैरिनेशन की वजह से मछली की जो स्ट्रॉन्ग स्मेल है वो नहीं रहती है और मछली का फ्लेवर बहुत ही उठ के आता है फ्राई करने पर। सारी चीजें जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए हम इसे इसी तरह से रख देंगे साइड में करीब 10 से 12 मिनट के लिए। तब तक हम बना लेते हैं मछली पर लगाने वाला दूसरा मसाला। इसके लिए लेते हैं 3 चम्मच भरकर तीखी वाली लाल मिर्चों का पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे जीरे का पाउडर, 1 चम्मच लेते हैं धनिया का पाउडर, 1/4 चम्मच डालेंगे हल्दी का पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे गरम मसाले का पाउडर, 1 बड़ा चम्मच भरकर लेते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक बस इस मसाले के हिसाब का डाल लेते हैं। अब इसका अच्छा सा पेस्ट बनाने के लिए इसमें डालेंगे थोड़ा सा कोकम का पानी। कोकम को करीब 10 मिनट के लिए मैंने भिगो कर रख लिया था, इसका पानी डाल लेते हैं। आप इसकी जगह चाहें तो इमली का पानी या फिर आधे नींबू का रस डाल सकते हैं। थोड़ा थोड़ा कोकम का पानी डालकर हम इसका अच्छा सा गाढ़ा पेस्ट बना लेंगे। तो ये दूसरा मैरिनेशन का मसाला बनकर रेडी हो गया है। इसे लगा लेंगे अब हम मछली पर। अच्छी तरह से ये मसाले को सारी कट्स में भर देंगे और मछली पर अच्छी तरह से इसे मल लेते हैं। ये सारी मछलियां मसाले के साथ अच्छी तरह से कोट हो गई हैं। अब हमें बनाना है इसकी क्रिस्पी कोटिंग। इसके लिए लेंगे 1/2 कप बारीक वाला रवा, 1/4 कप लेंगे चावल का आटा, बहुत ही थोड़ा सा नमक डाल लेते हैं इसमें बस ये मिक्सचर के हिसाब का, 1/2 चम्मच डाल लेते हैं लाल मिर्चों का पाउडर, 1/4 चम्मच डाल लेंगे जीरे का पाउडर, 1/4 चम्मच डालते हैं धनिया का पाउडर, और 1/4 चम्मच डाल देंगे गरम मसाले का पाउडर। अब सारी चीजों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। सारी चीजें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए इसके बाद मसाला लगाकर मछली जो हमने रेडी की है इसे यहाँ रख लेते हैं और अच्छी तरह से इस मिक्सचर से कोट कर लेंगे। जब हमें मछली को फ्राई करना है बस उसके पहले ही हम इस मिक्सचर के साथ इस मछली को कोट कर लेते हैं। मछली को हम शैलो फ्राई कर लेंगे। इसके लिए तेल हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर पहले गर्म कर लेते हैं। मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमें ये मछलियों को फ्राई करना है। लो फ्लेम पर अगर हम ये मछली को फ्राई करेंगे तो मछली का सारा पानी छूट जाएगा और जो कोटिंग हमने इस पर लगाई है ये सारी निकल जाएगी। 3 से 4 मिनट के लिए एक तरफ और 3 से 4 मिनट के लिए दूसरी तरफ भी हम मछली को अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। बांगड़ा मछली अच्छी तरह से क्रिस्पी कोटिंग के साथ फ्राई हो जाए तब हम इसे निकाल लेते हैं। और ये बस मछली फ्राई हमारी सर्व करने के लिए रेडी है। बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी और मजेदार मछली फ्राई की रेसिपी बनकर रेडी होती है। तो ये सिंपल और आसान सी रेसिपी जरूर ट्राई करें। अच्छी लगी रेसिपी तो थम्स अप जरूर दें। चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही और आसान मजेदार रेसिपीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।